एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विद स्मृति। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कुक विद स्मृति में हम हमेशा कोशिश करते हैं सिंपल, इजी और क्विक रेसिपीज बनाने की। तो आज बारी है एक ऐसी ही क्विक रेसिपी की। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट भटूरे। कई बार क्या होता है कि हम छोले बना लेते हैं या अचानक से कोई हमारे आ जाता है और हम प्लान नहीं होते हैं भटूरे बनाने के लिए, या हमारा मन कर गया है छोले बनाने के बाद। तो कैसे आप 10 मिनट में ही अपने भटूरे रेडी कर सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसी ही सिंपल सी ट्रिक जिससे आप 10 मिनट के बाद ही भटूरे बना सकते हैं। आपको रात भर बना के रखने की जरूरत नहीं है। और कई बार सर्दियों का मौसम होता है तो आटा अच्छे से फर्मेंट नहीं होता, उस टाइम भी ये ट्रिक बहुत काम आती है। इसके लिए आपको मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फटाफट से 10 मिनट में रेडी कर सकेंगे। लेकिन कुकिंग शुरू करें उससे पहले, अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। दोस्तों, इंस्टेंट भटूरे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। हमें चाहिए यहाँ पर मैदा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम या एक पाव मैदा ले लिया है, आप जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से ले लें। इसके बाद मैंने लिया है एक छोटी चम्मच चीनी, जिसमें डाल दें एक छोटी चम्मच या आप स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक, ताकि हमें फीके ना लगे। तीन टेबल स्पून करीब मैंने यहाँ पे लिया है रवा। रवा यानी कि सूजी, ये इसको थोड़ा सा कुरकुरापन देगी। आप ना चाहें तो ना डालें। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, एक ख़ास बात, मैं इसमें सोडा नहीं डालूंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें सोडा क्यों नहीं डाल रही हूँ। ये हमें इंस्टेंटली बनाने हैं तुरंत। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। ओके, अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून ही करीब दही। फ्रेश दही लिया है यहाँ मैंने, इसे भी अच्छे से मिला लें। 1 टेबल स्पून करीब इसमें तेल डालना है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून तेल भी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिला लें। बाकी सब चीज़ें तो हम नॉर्मल भटूरे बनाते वक्त भी डालते हैं, पर नॉर्मल भटूरे बनाते वक्त हम सोडा भी डालते हैं, जो कि मैं इस वक्त नहीं डाल रही हूँ इसमें। ओके, अब हमें चाहिए अपना हीरो, जो कि है ये सोडा वाटर। यहाँ पे मैंने मार्केट से मंगा के सोडा वाटर ले ली है। आप जो भी सोडा वाटर घर में अवेलेबल हो, ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ले लीजिए। जब आप इसको बनाना शुरू करें ना, मतलब जब आप इसमें डो बनाएंगे तभी खोलिएगा, बॉटल पहले से मत खोलिए वरना उसका सारा फिज चला जाता है। अब हमें हाथ यूज़ करने ही होंगे। थोड़ा थोड़ा सोडा वाटर इसमें डालते जाइए, इस तरह से आप देखें झाग आ रहा है। ये सोडा वाटर ही है जो इसको इंस्टेंटली फुला देगा, फर्मेंट कर देगा, और आपको ना तो सोडा डालने की ज़रूरत है ना ही इसको 4-6 घंटे गर्म जगह पर रखने की ज़रूरत है। और विंटर में तो ये ट्रिक बहुत काम आती है, क्योंकि उस वक्त आसानी से फर्मेंट होता ही नहीं है। आप कहाँ गर्म जगह पर 2 घंटे रेस्ट करने इसको रखेंगे। तो अच्छा सा चिकना डो लगा लीजिए। तो हमने नॉर्मल पानी की जगह इसको सोडा वाटर से डो को बना लिया है, और हम इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। आटा हमारा लग गया है। अभी आप देखिए कि अच्छे से चिकना नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं तेल लूँगी हाथों पर, और इसको ऐसे एक बार चिकने हाथों से मसल कर, और डो के ऊपर तेल लगाकर, अब मैंने डो के ऊपर तेल लगा दिया है, और ये अब हम इसको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितनी देर पर आपको बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट की ज़रूरत है। 10 से 15 मिनट के बाद आप अपने भटूरे तल सकते हैं। तो 10-15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने रख देंगे ढक कर के, और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो बस अब इसको आप ढक दीजिए, और अगर आपके पास कोई मसलिन क्लोथ है तो आप मसलिन क्लोथ से भी ढक के रख सकते हैं, या पेज से ढक के इसको रख दीजिए, और हम 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जब भी आपको चाहिए हम इसके भटूरे तलेंगे। दोस्तों, अब करीब 10-12 मिनट हो चुके हैं, तो आटा हमारा अच्छे से फूल गया है। इसको हाथ से मसल के बस एक बार आपको चिकना कर लेना है, अच्छा सॉफ्ट भी हो गया है। तो चलिए अब इसके भटूरे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इस तरह से एक छोटी सी लोई लेंगे, हाथों के बीच में इसको गोल करके चिकना कर लें, और आप चाहें तो थोड़ा सा तेल लगाकर, या
सूखा मैदा भी लगाकर रोटी की तरह इसको जैसे भी आप कंफर्टेबल है बेल लें। भटूरे में आपको शेप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें वैसे थोड़ा सा तो ओवल शेप में बनाया जाता है, हल्का सा एग वाला लंबा शेप, लेकिन अगर आप गोल भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप अच्छे से पतला सा इसको बना लें, इसलिए क्योंकि जब आप उठाएंगे तो मैदा थोड़ा सा वापस से खिंच जाता है और वो फिर से मोटा हो जाएगा। दोस्तों तेल हमने गर्म कर लिया है कढ़ाई में रखकर, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। धीरे से भटूरे को इसमें छोड़ दीजिए, हल्का सा दबा दें ताकि फूल जाए अच्छे तरीके से। और पलट दीजिए, जैसे ये फूल जाता है एक तरफ सिक जाता है। और देखिए कितना अच्छा फूल गया है हमारा भटूरा। जब ये नीचे की तरफ भी अच्छा सा सिक जाए, भटूरा सिक चुका है। अब इसको एक साइड कढ़ाई पे ऐसे कर ले ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए और उसके बाद प्लेट में निकाल लें। ये देखिए हमारा बढ़िया फूला हुआ भटूरा बनके तैयार हो गया है। साइज पूरी तरह आपकी चॉइस पर डिपेंड है, आप बड़े या छोटे कैसे भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको सारे भटूरे बेलने और बनाने हैं। दोस्तों इस तरह से आप सारे भटूरे बेल कर और बनाकर तैयार कर लें और गर्मा गर्म छोले के साथ में सर्व करें। अगर आप छोले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में।